सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वेंस्ता गुप्ता। ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत अफजलगढ़ पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री, उपकरणों सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के आदेशों पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ओमवीर सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में अफजलगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन पाताल चलाकर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोहम्मदपुर रजौरी में एक बंद पड़े मुर्गी फार्म में दबिश देकर एक व्यक्ति को शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति आरिफ पुत्र इरफान मूल रूप से नूरपुर के मोहल्ला इस्लामाबाद का रहने वाला है, जो फिलहाल में अफजलगढ़ थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर रजौरी में रहकर अवैध हथियार बना रहा था। आरिफ नूरपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर जनपद के कई थानों में केस दर्ज है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के अनुसार आरोपी पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऑपरेशन को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल राहुल, मार्शल ओम सिंह आदि शामिल रहे। ऑपरेशन पाताल के तहत अफजलगढ़ पुलिस ने भागी जोत के पास से आरिफ नाम के एक अभियुक्त को तमंचा बनाने की फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से बने अजबने चार तमंचे मिले हैं। यह अभियुक्त शातिर किस्म का है, HS है, गैंगस्टर एक्टिव भी जेल जा चुका है। विधिक कार्रवाई करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसी तरीके से ऑपरेशन पाताल के तहत नागल पुलिस द्वारा भी तीन अभियुक्तों को तीन तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।